रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ का नाम बताइए। जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। और भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, कुल 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। कब चले थे? 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाते हो और 10 से 16 अप्रैल रेल सप्ताह मनाते हैं। बताओ, ए का क्वेश्चन होगा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, गोल्ड मतलब सोना, पैसा डालोगे सोना का टिकिया निकलेगा। देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। भारत का पहला ग्रेन एटीएम गौ से ग्रेन, गौ से गुरुग्राम हरियाणा। ग्रेन मतलब क्या? पैसा डालोगे अनाज निकलेगा। देश का फर्स्ट ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा। बताओगे भारत की पहली बुलेट स्टेशन कहाँ बन रही है? सूरत में बन रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनाई जा रही है। सूरत को डायमंड सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हो? सूरत को डायमंड सिटी बोलते हैं। वहाँ पर डायमंड अनुसंधान केंद्र है। सूरत में क्या है? डायमंड यानी कि हीरा अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर। आप बताओगे भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी बताओगे? ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन, वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। आप बताओगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। यह उत्तरी ध्रुव के पास है, आर्कटिक महासागर के पास है। बताओ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ होगी? नू संतरा। इंडोनेशिया का अधिकांश भाग किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। इंडिया का अधिकांश हिस्सा प्रशांत महासागर में है और कुछ हिस्सा हिंद महासागर में भी है, लेकिन अधिकांश हिस्सा प्रशांत महासागर में है। बताओ हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में होता है? नागालैंड में होता। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। आप बताइएगा इसरो का चेयरमैन कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ साहब है। इसरो का फुल फॉर्म बताइए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताओगे इसरो का मुख्यालय बंगलुरु है। स्थापना 1969 में होता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो का डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 मुख्यालय दिल्ली डी4 दिल्ली और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इसका। बताओगे शैलेश कुमार पैरा ओलंपिक में ये ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ का है? जमुई का शैलेश कुमार अभी एशियाई पैरा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है ऊंची कूद में, ये जमुई का है। किस राज्य के तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला? बताओगे आप?
तेलंगाना के तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला है। अब बताओगे अरुणोदय 2.0 योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? अरुणोदय 2.0 असम होगा। अरुणोदय 2.0 का शुरुआत अरुणोदय असम। असम को पूर्वोत्तर भारत का गेटवे कहा जाता है। असम को पूर्वोत्तर भारत का यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है। डीजी यात्रा शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट है। डीजी यात्रा शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट है गुवाहाटी एयरपोर्ट। कामाख्या टेम्पल भी गुवाहाटी में है। बिहू असम का फेस्टिवल है। बिहू कहाँ का है? असम का फेस्टिवल है। G20 का अब नया नाम G21 हो गया। इक्कीसवां मेंबर कौन बना? अफ्रीकन संघ बना है। अफ्रीकन संघ बना है। अफ्रीकन संघ बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ में हुआ? भोपाल में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में हुआ है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ में है? मोपा गोवा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा में है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा में है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तमिलनाडु। ठीक है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। बताओगे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल में बना है। अलुवा में है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म अलुवा केरल। बताओगे कहां के गमोचा को जी आई टैग मिला? अभी हाल ही में किस उद्योगपति का मृत्यु हुआ? सुब्रतो मुखर्जी। सहारा श्री सुब्रतो मुखर्जी मर गए बेचारे। बताओ एक इतना गरीब परिवार से उठा था वो व्यक्ति, काफी गरीब परिवार से उठा, जन्म हुआ था अररिया में, बिहार एक रहने वाला। वो जान लो साइकिल पे वो सामान उमान बेचता था, फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर गोरखपुर आ गया, एक वो चिट फंड कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम सहारा दिया था, फिर बहुत के सब शेयर वेयर बेचा, खरीदा बहुत पैसा, तो फिर उसके बाद उसमें रियल एस्टेट में चला आया, उसी में फर्जरी किया, उसी में तो फंसा गया। एक ऐसा वक्त था तो तूती बोलता था उसका। अब बताओ वो पैसा कहाँ गया? मरा तो कोई काम दिया? जब बेटा का शादी किया था ना, उस समय के प्रधानमंत्री इतना मिनिस्टर है, विधायक है, 25 राज्य के मुख्यमंत्री सब पहुंचा था लखनऊ, जान लो। लखनऊ एयरपोर्ट पर जो है ना वो हेलीकॉप्टर फ्लाइट रखने का जगह नहीं था, इतना लोग पहुंचा था वहां। सुनो 25 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचा, प्रधानमंत्री पहुंचा, मिनिस्टर सब पहुंचा था। चलिए बताइएगा भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां में किया गया? भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां में किया गया?
बताओ इंदौर, ठीक है। लगातार छठी बार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इंदौर बहुत अच्छा शहर है, ग्रीन सिटी है, वो क्लीन सिटी है। क्वेश्चन है, भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? बताओ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ है। बताओ चिल्ले कला की शुरुआत किस राज्य में हुआ या किस यूटी में हुआ? कि जम्मू कश्मीर में। चिल्ले कला शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुआ है। आप बताओगे नेक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? नेक से ए ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना? बताओ आप लोग। देखो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेट से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। एकदम वहाँ कॉलेज में क्लास सब कुछ होता है, यहाँ का आप लोग कॉलेज जेब नहीं करते हो। वहाँ कॉलेज का बिल्डिंग देखोगे ना, गजब का फैसिलिटी सब भी है, यहाँ तू तो कभी नहीं जाते हो। टीचर लोग भागते रहता पढ़ाने से, वो सोचता है वो बीच में स्टूडेंट नहीं आया, सब टीचर सब भूल गया होगा, जंग लग गया होगा। लोशन उस सब कहां बनाई जाती है? देखो लोशन जो होता है लद्दाख में होता है। अगर लद्दाख ऑप्शन नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश लगाओगे, अगर लद्दाख ऑप्शन नहीं होगा तो लोसांग होगा तो सिक्किम। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। लोसांग सिक्किम का है। चलो बताओगे धनु यात्रा का किस राज्य में होता है? धनु यात्रा का आयोजन ओडिशा में होता है। धनु यात्रा का आयोजन ओडिशा में होता है। अटल स्मारक कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? अटल स्मारक मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? बताओगे? ग्वालियर। जहाँ पे अटल जी का जन्म हुआ था वहीं बनेगा। अटल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और पहली बार सबसे कम दिन, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। धेमा जी परियोजना किस राज्य में है? असम में काफी चर्चा में रहा। धेमाजी परियोजना असम में है जो काफी चर्चा में रहा है।